हाय, वेलकम टू माय इजिप्ट व्लॉग। तो आज मैं आपको इजिप्ट के बारे में बताऊंगी सब कुछ जो आपको एज एन इंडियन हेल्प करेगा जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे। हम पहुंचे कायरो बाय मॉर्निंग एंड थोड़े जेट लैग थे क्योंकि इजिप्ट 3 hours 30 minutes पीछे है इंडिया से। सबसे पहले जब हम एयरपोर्ट से लगेज लेकर बाहर गए, हम जोन्ड आउट हो गए क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर कुछ भी लिखा समझ नहीं आ रहा था, नंबर्स भी नहीं, सब कुछ अरबिक में था। हम टैक्सी लेने गए बाहर पर हमें पिकअप पॉइंट तक समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, कहाँ से ऊबर मिलेगा। पर थैंकफुली इजिप्ट में ऊबर चलता है, थोड़ा तो लाइक ऐप में समझ आ जा रहा था। तो फिर मैंने ऊबर से डायरेक्टली बुक कर दिया टैक्सी एंड सोचा कि टैक्सी ड्राइवर से ही पिकअप पॉइंट कहाँ है पूछ लूँगी, क्योंकि वहाँ के लोकल्स को बस अरबिक समझ में आता है। इंग्लिश में भी हम नहीं समझा पा रहे थे किसी को एंड हमें ऑलरेडी पता था कि इजिप्ट में बस हेल्प करने में लोग काफ़ी स्कैम करते हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे एक दो लोकल से ज़्यादा किसी से भी पूछने में। फिर टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि एक पर्टिकुलर अराइवल गेट नंबर पे वो आएगा। हमें थोड़ा मतलब सुकून आया कि ठीक है, अब टैक्सी तो मिल जाएगी। पर जब टैक्सी हम ढूंढने लगे कि हमारी वाली कौन सी है, तो टैक्सी नंबर्स अरबिक में थे सबके। फिर मैंने अरबिक नंबर्स गूगल से डाउनलोड किया एंड नंबर्स को कुछ भी नाम दिया, जैसे कि 3 है उल्टा अम्ब्रेला, 2 है 7 जैसा। ऐसे ही टैक्सी नंबर्स हम ढूंढने लगे एंड हमने फाइनली रिकॉग्नाइज किया कि हमारा टैक्सी कौन सा है। हमने फिर चेक इन किया होटल रैडिसन कायरो में एंड एक पावर नैप के बाद हम निकल पड़े कायरो के स्ट्रीट्स घूमने, खाने पीने, मज़े करने। तो सबसे पहले हम गए इजिप्ट का मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट, दैट इज़ अबू तारिक, जो कि फेमस है कुशारी के लिए। इजिप्ट का नेशनल डिश है एंड बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड है इजिप्ट का। सच कहूँ तो कुशारी टेस्ट वेरी मच डिफरेंट। ये एक स्पाइसी एंड डिलीशियस डिश है जिसमें दाल और चावल को पास्ता के साथ मिलाया जाता है। I was also shocked with tomato puree on the top and उसमें chili sauce मिलाते हैं, vinegar मिलाते हैं to make it spicy. This pepper salt and this is tomato little pepper salt. This vinegar and garlic. Spicy you like? Little spicy. Little lemon. Mix. Dried onion. हम ह्यूमस खाते हैं जो कि काबुली चना से बनता है। तो बेसिकली काबुली चना को बॉईल करके पेस्ट बनाते हैं, दैट इज़ ओनली ह्यूमस। तो वहाँ पे काबुली चना को प्रॉपर बॉईल करके ही दे देते हैं, उसको कुछ पेस्ट वेस्ट नहीं बनाते जैसे नॉर्मली लोग ह्यूमस खाते हैं। ह्यूमस एंड पीटा ब्रेड आपने सुना ही होगा। तो मुझे ये भी बहुत ही शॉकिंग लगा था एंड मैंने सोचा था कि मैं ये अपने व्लॉग में ज़रूर सबको बताऊँगी कि आप लोगों को एक शॉकर टाइप ना लगे। मस्ट ट्राई, मतलब कुशारी बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट इज़ समथिंग कि आप इजिप्ट जाओ और कुशारी ना खाओ तो इजिप्ट का पूरा ट्रिप अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। गुड, एंजॉय, नाइस टू मीट यू। तो हम वहाँ से निकले, वॉकिंग डिस्टेंस पे वहाँ से एक बेकरी था बहुत ही फेमस कायरो का। तो हमने सोचा चलते चलते और भी एक्सप्लोर कर लेंगे। फिर हमने एक, जैसे इंडिया में टपरी होती है वैसे वहाँ पे एक नॉर्मल सा स्टोर था। तो वहाँ से मैंने 3-in-1 नेस्कैफे के सैचेट्स लिए क्योंकि कॉफ़ी चाहिए है, इतना ट्रैवल करूँगी तो कॉफ़ी तो पीना पड़ेगा मुझे। एंड फिर वहाँ से हम बेकरी गए, बेकरी का नाम है एल एप्ट पेटिसरी, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, पर ELABD एज यू कैन सी।
वहाँ हमने काफ़ी कुछ देखा, ट्राई किया, डिफरेंट चीज़ें थी, पर यार खाने के मामले में ना भारत सबसे प्यारा है। आई मीन इंडिया की कोई भी बेकरी उठा लो, कोई भी बेकरी, उसका फ्लेवर गॉड। पर ठीक है, मैं इजिप्ट घूम रही हूँ तो लेट्स टॉक अबाउट इजिप्ट। फिर हम टैक्सी से एक्सप्लोर करने निकले कायरो के लोकल मार्केट, दैट इज़ खान एल खलील बाज़ार, जो कि मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी टू ट्राई द रेस्टोरेंट्स देयर एंड वहाँ पे शॉपिंग भी करो। वहाँ पे भी एक लोकल रेस्टोरेंट टाइप था, बेसिकली कायरो का ढाबा टाइप, जो कि बहुत ही नामी भी है, एंड उसका नाम है इजिप्शियन पैनकेक हाउस। वहाँ हम बैठे एंड तभी उस लोकल मार्केट से एक टूरिस्ट बस निकली एंड मुझे थोड़ा स्कैरी सा लगा एज वो रेस्टोरेंट के मैक्स टेबल्स रोड पर ही थे, पर बस तो निकल गई वहाँ से विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, थैंकफुली। फिर हमने ऑर्डर किया, एक कड़क टी एंड चीज पैनकेक, इट्स लाइक अ पफ पिज्जा। इससे अच्छी चाय मैं इंडिया में पीती हूँ, मेरे घर पे मैं खुद बनाती हूँ, बहुत अच्छी चाय पीती हूँ। आई डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दिस। देखो एक्शन। मैं बीच वाला पार्ट लूंगी ताकि मुझे बेस्ट पार्ट मिले। बहुत गर्म है, मेरे मुंह से इंग्लिश निकलता है बार बार। ये मिक्स चीज पैनकेक है एंड एक्चुअली आई एम फीलिंग, मुझे बहुत सारे चीज का टेस्ट आ रहा है। अच्छा है यार, ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसका क्रस्ट बहुत थिन है, क्रस्ट बहुत थिन है एंड इट्स फुल चीजी। वन ऑफ द गुड थिंग्स जो मैंने यहाँ पे कायरो में। वहाँ से हम लोग लोकल मार्केट के और अंदर चले गए एंड वहाँ और भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे विथ लाइव म्यूज़िक, वहाँ के लोकल्स ही इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे एंड उनका कोई फोक सॉन्ग ही होगा जैसे सब इंजॉय कर रहे थे, मुझे तो काफ़ी मज़ेदार लगा। कुछ शॉपिंग की, मैं जब भी बाहर घूमने आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि लाइट वेट शॉपिंग ही करूँ सो दैट मुझे एंड ऑफ द ट्रिप लगेज इश्यूज ना हो ज़्यादा। फिर हम वहाँ से कायरो के ऑलमोस्ट लाइक हैपनिंग प्लेस गए जहाँ पे सारे मैक्सिमम अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। वहाँ मुझे एक्चुअली स्टारबक्स जाना था जस्ट टू ट्राई द स्टारबक्स इन इजिप्ट। तो अभी मैं आई हूँ इजिप्ट का कायरो के स्टारबक्स में यहाँ का कॉफ़ी ट्राई करने, और स्टारबक्स का एक कलेक्शन रहता है मग्स का, जिस भी कंट्री में जाओगे वहाँ पे आपको उस कंट्री का मग मिलेगा, जो भी रहता है उनका पर्सनल टच रहता है कंट्री के हिसाब से, तो वो कलेक्टेबल्स ही है जो स्टारबक्स ने निकाला हुआ है, तो मैं वो कलेक्ट करती हूँ सारे कंट्री जितने भी जाती हूँ कलेक्ट करती हूँ, तो मुझे यहाँ से भी लेना ही था तो मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे एंड कॉफ़ी भी ट्राई करूँगी और यहाँ का फूड मेन्यू क्या है
क्योंकि डिफरेंट रहता है हर कंट्री का, इट्स नॉट सेम एवरीवेयर, तो वो भी ट्राई करूँगी. वन मोर थिंग, अगर आप इजिप्ट में शॉपिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बार्गेन करें, क्योंकि प्राइसेस जो भी शॉपकीपर्स बोलते हैं वो 4 times ज़्यादा बोलते हैं. फिर हम वापस आए एंड हमें लक्सर निकलना था, हमारी फ़्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग, तो हमने पैकिंग किया एंड सो गए. पर मेरा नेक्स्ट व्लॉग इजिप्ट का अभी वापस से आने वाला है जल्द, जिसमें मैं आपको लक्सर एंड गीज़ा के बारे में बताऊंगी. तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ एंड आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो. एंड वो सपोर्ट मुझे ऑफकोर्स लाइक, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब से ही पता चलेगा, जो कि मुझे इनकरेज करेगा कि मैं आगे और भी वीडियोज बनाऊँ. Thank you. Food, see baby. You again. Actually, as it's a hundred. Aww. That was done. Okay. Yeah. Camila.